खबर सच्चाई के साथ। पीलीभीत जिले के खमरिया पंडरी गांव स्थित जिला कार्यालय पर सोमवार को राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद का 43वां जन्मदिन प्रदेश मंत्री डॉक्टर फहीम अहमद के नेतृत्व में केक काटकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद की लंबी उम्र की कामना करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को मिष्ठान वितरण किया गया। इसके अलावा जिला कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें करीब 2 दर्जन लोगों को संगठन की सदस्यता ग्रहण कराकर उचित जिम्मेदारी सौंपकर जनहित में कार्य करने की बात कहते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान डॉक्टर फहीम अहमद ने राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुस्तकीम अहमद, जिला प्रभारी नूरुल हसन, जिला उपाध्यक्ष अनीस अहमद, जिला महामंत्री सुराज अहमद, जिला मंत्री जियाजुद्दीन समेत कई लोग उपस्थित रहे। कभी ना कोई दर्द मिले तुझको ये दुआ है फहीम, कभी ना कोई दर्द मिले तुझको ये दुआ है फहीम, तेरे हर दर्द से पहले दवा बन जाऊं मैं, तेरे अशकों के समंदर में बह न जाऊं मैं, तेरी यादों में कहीं खो न जाऊं मैं। आज मैं सबसे पहले तो उनकी यौम पैदाइश के दिन ये बता देना चाहता हूं कि माननीय आतिफ रशीद साहब हैं कौन, ये कौन सी शख्सियत है, तो आप सुन लीजिए। माननीय आतिफ रशीद साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये हाफिज कुरान है। तालियों की कमी है, मैंने कहा था लखनऊ से माननीय योगी आदित्यनाथ से लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी तक, प्रधानमंत्री जी तक इसकी आवाज पहुंचनी चाहिए, तालियां इतनी जोर से बजनी चाहिए, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। जो आज कार्यक्रम हो रहा था, कार्यक्रम के संबंध में बताओ क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर फहीम अहमद, प्रदेश मंत्री राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज, जिसके अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमर सिद्दीकी साहब हैं, प्रदेश प्रभारी माननीय फैसल बाबू जी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आतिफ रशीद साहब का जन्मदिन था। उस जन्मदिन के मौके पर आज हमने जिला कार्यालय पीलीभीत में जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुस्तकीम साहब की अध्यक्षता में सेलिब्रेट किया जन्मदिन। जिसे जानना चाहेंगे, ये जो राष्ट्रीय पसमांदा समाज है, तो ये राजनीतिक संगठन है या गैर राजनीतिक? देखिए, ये राजनीतिक संगठन है, और बाकायदा हम लोगों ने इसकी जो मांग की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, कि उन्होंने जो मुख्यधारा से पसमांदा महाज को, पिछड़ी जाति के मुसलमान को जोड़ने के लिए जो आह्वान किया है, उसके आधार पर माननीय आतिफ रशीद साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कमर सिद्दीकी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने कदम उठाया है, ये सराहनीय है, ये राजनीतिक है। हम शैक्षिक हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी, दबे कुचलों का हक दिलाने की बात, सारी बातें रखी हैं। पढ़ाई में भी हमको हिस्सेदारी मिले, राजनीति में भी हिस्सेदारी मिले, ठीक है, गरीब बच्चे अच्छे से पढ़ें, डॉक्टर इंजीनियर बने, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आतिफ रशीद साहब ने 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को लिखा है। माइनॉरिटी के हिसाब से हम 85% है, इसलिए 85% के हिसाब से हम लोगों को उसका हक मिलना चाहिए। तो जैसे जो राजनीतिक पार्टी है, इसका अपना खुद का वर्चस्व है या किसी के संग? हमारा खुद का वर्चस्व है, और आज हम राजनीतिक में जानना चाहता हूँ, राजनीतिक में ये सब अपने बल पर है या किसी के साथ? नहीं, हम अपने बल पर हैं, और राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थित संगठन है, ठीक है, और पूरे राष्ट्र में ये हमारी पार्टी अपनी खुद की है, ठीक है, इसलिए हमने इसका नारा दिया है, जय पसमांदा तय पसमांदा, जो पसमांदा हित की बात करेगा पसमांदा उसके साथ चलेगा। तो सर, जैसे कि एक सवाल मेरा और है, जैसे कि पसमांदा समाज बीजेपी का तय गठबंधन है, अब गठबंधन जब बीजेपी से है, तब पसमांदा समाज को स्वयं खड़े होने की जरूरत है? देखिए, एक बात सुनिए, पसमांदा महाज बीजेपी का तय नहीं है, बल्कि पसमांदा महाज बीजेपी से तय है, ठीक है, कि हमारे
जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, पढ़ाई में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, शैक्षणिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए 85% के हिसाब से। उसी हिसाब से हम लोगों का कोटा तय होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के लिए एक्सेप्ट भी किया है और वो मुख्यधारा से पिछड़ी जात के मुसलमान को जोड़ना चाहते हैं, पसमांदा महाज को अपने साथ मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। पसमांदा महाज का मेन उद्देश्य क्या? पसमांदा महाज का मेन उद्देश्य है कि वो दबे कुचलों की आवाज़ को बुलंद करे, ठीक है, उनको शैक्षणिक हिस्सेदारी मिले, राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, और जिसको जो दबाया जा रहा है, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या दबाया जा रहा है, तो उनकी आवाज़ को बुलंद करके उनका हक उनको दिलवाया जाए। आप पसमांदा समाज के जो सदस्य हैं अभी जो नवनियुक्त किए गए, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद साहब ने जो कदम उठाया है और उनके जन्मदिन के मौके पर उनसे ये उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि वो पसमांदा महाज को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी से जोड़ने का कार्य करें और लोगों को समझाने के पसमांदा महाज के बारे में समझाने का काम करें। और जो राष्ट्रीय जो हमारी भारतीय सरकार है, भारत सरकार जो स्कीमें चला रही है, वो स्कीमें बिना भेदभाव के चल रही हैं और सबको बताने का काम करें कि किसी से कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है, इसको जिससे सबको जागरूक हों। जैसे पसमांदा जो महाज है वो आखिर है क्या? पसमांदा महाज एक पिछड़ी जाति का मुसलमान है, ठीक है, इसके जो ये जो है 85% है मुसलमानों में, इसकी संख्या 85% है और आज तक के रिकॉर्ड में सिर्फ 64 एमपी बन के गए हैं, तो हमें राजनीतिक हिस्सेदारी भी चाहिए भाई, ठीक, शिक्षा की हिस्सेदारी भी चाहिए, जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको बाकायदा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखा है, उन यूनिवर्सिटियों में भी हमारे जो पिछड़ी जात का 85% के हिसाब से उसका कोटा नियुक्त होना चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। सर जैसे मेरा एक सवाल और, अभी 2-3 बार एक सवाल आ रहा था बार बार, मुस्लिम समाज, मुस्लिम समाज, अगर गैर मुस्लिम समाज भी किसी विपत्ति में है और उसको उसका हक नहीं मिल रहा है, तब पसमांदा समाज? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पसमांदा संगठन को, पसमांदा को जागरूक करने के लिए राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज का गठन हुआ है, लेकिन कोई भी एक्स वाई जेड जहां उसके साथ नाइंसाफी होगी और हम उसके साथ खड़े हैं। A1 News India, हर खबर सच्चाई के साथ।